नमस्कार, मैं खुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खेती के लिए बिहार में मिलेंगे इतने लाख नए बिजली कनेक्शन। बिहार की सभी ए ग्रेड स्टाफ नर्स होंगी प्रशिक्षित। उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। देश के 15वें राष्ट्रपति ने कहा, लोकतंत्र की शक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया। भारतीय टीम पर लगा 20% का जुर्माना। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खेती के लिए बिहार में मिलेंगे इतने लाख नए बिजली कनेक्शन। बिहार में खेती के लिए अब किसानों को बिजली का नया कनेक्शन सरकार खुद ही देने वाली है। इसके तहत ही बिहार की नीतीश सरकार अब हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी योजना के तहत बिजली कंपनी ने 4,64,889 नए बिजली कनेक्शन के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया है। यह काम अब जल्द ही आगे बढ़ने वाला है। इसको लेकर बिजली कंपनी की तरफ से भी सारी जानकारी साझा कर दी गई है। कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने खेतों के पटवन के लिए 7,20,624 बिजली कनेक्शन का लक्ष्य दिया था। विभाग ने पूर्व में जब कृषि फीडर की योजना पर काम आरंभ किया तब 3,55,735 किसानों को मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के तहत कृषि कार्य के लिए बिजली उपलब्ध करा दिए गए थे, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के तहत 3,55,000 कनेक्शन दिए जाने के बाद बिजली कंपनी ने नए सिरे से इस योजना पर काम आरंभ किया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कावेरी झा की। कावेरी झा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। वे हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में कार्य कर चुकी हैं। कला विषय में उपाधि ग्रहण करने के बाद कावेरी झा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भूल भुलैया में 2007 से की। कावेरी एयर इंडिया में एयर होस्टेस के पद पर भी काम कर चुकी हैं। सन 2005 में कावेरी ने फेमिना मिस इंडिया में सुश्री व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित हुई। दक्षिण भारत में कावेरी झा अपने स्वतंत्र व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। कावेरी का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। कावेरी बचपन में लड़कों जैसी दिखती थी। उन्होंने अपने पिता की पार्श्वभूमि को अपने परिवार के रहन सहन पर बेहद प्रभावी बताया। विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़े प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विजिलेंस की टीम इन दिनों एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन विजिलेंस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत ही सीतामढ़ी में सोमवार को परिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं विजिलेंस की टीम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पटना अपने साथ ले गई। मामले को लेकर पूछे जाने पर विजिलेंस की टीम के द्वारा कुछ भी बोलने से इनकार किया गया। मीडिया में चल रही खबर के अनुसार परिहार प्रखंड प्राथमिक विद्यालय रजवाड़ा के प्राचार्य को लेकर शिक्षक अरुण कुमार से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किशोरी प्रसाद राय की 50,000 रुपये में डील हुई थी। पूर्व में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किशोरी प्रसाद राय के द्वारा शिक्षक अरुण कुमार को प्राचार्य के पद से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। अब किशोरी प्रसाद राय को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न पदों जैसे मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर, पब्लिकेशन असिस्टेंट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल मिलाकर 547 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित विषय या डिसिप्लिन में क्लास 8 या 10th या 10+2 या डिप्लोमा या ITI या ग्रेजुएशन या PG या CA या PhD का डिग्री उत्तीर्ण होने के साथ ही कार्य अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार की सभी ए ग्रेड स्टाफ नर्स होंगी प्रशिक्षित। बिहार में अब मातृ दर को कम करने की कोशिश में बिहार सरकार लग गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों की चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर और नर्सों को प्रशिक्षित करने के प्रयास में जुट गई है, जिसके तहत ही मिडवाइफरी इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत सभी ए ग्रेड स्टाफ नर्सों को चरणबद्ध तरीके से 18 महीने का नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 30 नर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। लिखित, प्रैक्टिकल और साक्षात्कार के आधार पर प्रशिक्षण के लिए नर्स चयनित की जाएंगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख मुआवजा राशि देने का किया ऐलान। बीते दिन सड़क हादसे में 8 लोगों की जान जाने की खबर ने लोगों को मर्माहत कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नारायणपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 बसों की हुई आपसी टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई। बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आपस में टकरा गई, जिसके बाद बिहार के 8 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि दोनों बसों को मिलाकर कुल 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना में मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना एवं दुख व्यक्त किया है। वहीं मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से बिहार में हजारों छात्र लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके तहत बिहार के वैसे विद्यार्थी जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनकी मदद के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में 2 अक्टूबर 2016 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लगभग 42 तरह के कोर्स को जोड़ा गया था, जिसकी पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को लोन दिया जाता था। लेकिन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सरकार अब इस योजना में 23 नए विषय को और जोड़ रही है, जिसकी पढ़ाई के लिए छात्र लोन ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। वैशाली के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अशोक के धार्मिक प्रचार से कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। अपने धर्मलेखों के अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया और संपूर्ण देश में व्यापक रूप से लेखन कला का प्रचार हुआ। धार्मिक स्थापत्य और मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास अशोक के समय में हुआ। परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इनमें से ऋषि पतन सारनाथ में उनके द्वारा निर्मित धर्मराज का स्तूप का भग्नावशेष अब भी द्रष्टव्य है। इसी प्रकार उन्होंने अगणित चैत्यों और विहारों का निर्माण कराया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख राजपथों और मार्गों पर धर्म स्तंभ स्थापित किए। अपनी मूर्ति कला के कारण ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सीईटी बीएड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार सीईटी बीएड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने बिहार सीईटी बीएड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए 25 जुलाई से पोर्टल उपलब्ध करा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीईटी बीएड परीक्षा पास की है, वे बिहार सीईटी बीएड काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट बिहार सीईटी बीएड LNMU.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार सीईटी बीएड काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार अगले महीने अगस्त की 4 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सीईटी बीएड काउंसलिंग 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ बीते दिन पहले राउंड के लिए च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके बाद राउंड 1 अलॉटमेंट का रिजल्ट 11 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को अलॉट किए गए कॉलेज में प्रवेश लेना होगा। बिहार के मंत्रियों के लिए तैयार हुए 20 आलिशान बंगले। बिहार के मंत्रियों के लिए एक ही परिसर में 20 खूबसूरत बंगलों का निर्माण किया गया है, जिस पर हर बंगले के हिसाब से 3 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि इस बार मंत्रियों को मिलने वाले आधुनिक बंगले में स्विमिंग पूल की सुविधा भी होने वाली है और गेस्ट हाउस से लेकर क्लब हाउस और कन्वेंस ब्लॉक भी तैयार किए गए हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 15 अगस्त तक मंत्रियों के बंगले को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद मंत्रियों को चाबी देने का काम किया जाएगा। हालांकि किन किन मंत्रियों को यह बंगला मिलेगा अभी वो लिस्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई मंत्री इस बंगले में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। कॉमर्स शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने किया इंतजाम। बिहार में कॉमर्स के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले ही अपनी योजना बताई थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि शिक्षा विभाग साइंस और आर्ट्स की तरह ही अब कॉमर्स के शिक्षक के लिए भी STET परीक्षा का आयोजन करेगा। मालूम हो कि राज्य के कॉलेजों में साइंस और आर्ट्स के मुकाबले कॉमर्स के शिक्षकों की कमी काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए STET परीक्षा का आयोजन करने की योजना बनाई गई है। वहीं अब आपको बता दें कि इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB को दी जाएगी। फिलहाल विभाग हर जिलों से कॉमर्स के शिक्षकों की संख्या मंगाई जा रही है। एक बार जिलेवार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद शिक्षा विभाग से BSEB को हरी झंडी मिल जाएगी।
12वीं सप्लीमेंट्री छात्र के लिए इस दिन तक है मौका। आईएससी ने 12वीं बोर्ड के उन छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलने जा रहा है जो परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इन छात्रों के पास 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है, यानी कि जो भी छात्र इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, इसके लिए छात्रों को ₹1,000 शुल्क भी जमा करना होगा। बोर्ड द्वारा सप्लीमेंट्री परीक्षा के साथ अपने रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं। रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए छात्रों को 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये छात्र 2023 में होने वाले 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। ये छात्र रिवाइज्ड सिलेबस पर परीक्षा देंगे। देश के 15वें राष्ट्रपति ने कहा, लोकतंत्र की शक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। भारत को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। बीते दिन 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, वहीं आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बीते दिन शपथ ग्रहण के दौरान महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति के पद पर पहुँचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा है और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड पार्षद से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला। यह लोकतंत्र जननी भारतवर्ष की महानता है। अब चलती ट्रेन में कार्ड से बनवा सकेंगे टिकट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करने का काम कर रहे हैं तो आप भी यकीनन कभी ना कभी टिकट नहीं होने की समस्या से ज़रूर रूबरू होंगे और कई बार अपने टिकट भी कटवाई होंगी। लेकिन अब तक तो आप टिकट काटने के लिए कैश से ही पैसों का भुगतान करते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप चलती ट्रेन में कार्ड से भी भुगतान कर टिकट बनवा सकते हैं। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब बहुत ही बढ़िया सर्विस मुहैया करा रही है। जी हाँ, इसके माध्यम से आप चलती ट्रेन में डेबिट कार्ड से टीटी को टिकट का जुर्माना और टिकट अपग्रेडेशन चार्ज दे सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने टीटी के पास मौजूद POS यानी कि पॉइंट ऑफ स्केल मशीन को अपग्रेड कर रही है और उसमें अब 4G सिम लगा रही है। 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित 18 जिले में राजस्व अधिकारी सह कानून गो की हुई तैनाती। बीते दिन 25 जुलाई को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी को 18 जिलों में तैनात किया गया है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें पहली बार किसी जिले में तैनात किया गया है। राजस्व सेवा के अधिकारी लखिंद्र कुमार को सीतामढ़ी, दिव्यांशु कुमार साह को कटिहार, सुधीर कुमार ओंकार को पूर्णिया, मोनिका आनंद को अरवल, शादाब आलम को खगड़िया, गौरव कुमार को सहरसा, शेखर राज को अररिया एवं शशिकांत शुक्ला को सिवान का राजस्व अधिकारी सह कानून को बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों की सूची भी जारी कर दी गई है जिनका पदस्थापन किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले की संशोधित सूची बनाने की तैयारी हो रही है। मालूम हो कि इससे पहले किए गए तबादले में गड़बड़ी आने की वजह से मुख्यमंत्री द्वारा तबादला खारिज कर दिया गया था। बिहार में फिर से एक्टिव हुआ मॉनसून। बिहार में कमजोर पड़े मॉनसून में एक बार फिर से सक्रियता देखने को मिल रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की से मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने यह भी कहा है कि राजधानी पटना में तेज हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आसमान में बादल एक जगह पर नहीं पा रहा है, जिसके कारण मॉनसून की आवाजाही लगी हुई है। हालांकि प्रदेश के लगभग जिलों में इन दिनों आसमान में बादल छाए रहने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मंगलवार यानी आज प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश होने की संभावना है। जेडीयू प्रदेश कमेटी में नए नेताओं को मिली जगह। बिहार के सत्ताधारी जदयू ने अपने संगठन में बीते दिन नए नेताओं को जगह दी है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीते दिन प्रदेश कमेटी की नई लिस्ट जारी की है। इस नई लिस्ट में पूर्व के सभी सदस्यों के अतिरिक्त 6 प्रदेश उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। जिन नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है उनमें विधान पार्षद राधाचरण साह को भोजपुर, मुनेश्वर चौधरी सारण, निहोड़ा प्रसाद यादव पटना, विक्रम कुंवर सिवान, महेश्वर प्रसाद यादव और मुनेश्वर सिंह गया शामिल हैं, जिसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की माने तो पूर्व में जारी प्रदेश पदाधिकारियों को यथावत रखा गया है। बिहार में 200 विधानसभा क्षेत्र के लिए शाह और नड्डा का मेगा प्लान।
भाजपा बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा बिहार में ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में भाजपा 2 दिन 30 और 31 जुलाई को कार्य समिति की बैठक करने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक की समापन समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं खबर यह भी है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में गांधी मैदान के पास स्थित ज्ञान भवन में प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सामुदायिक गोलबंदी की तैयारी है। इसके लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया गया है। वहीं भाजपा के नेता बिहार में रह रहे दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ सामुदायिक बैठक करेंगे। पीएम मोदी की सलाह को गंभीरता से ले रहे हैं तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए वो अलग अलग तरह के वर्कआउट भी कर रहे हैं, जिसका वीडियो आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक रील शेयर किया, जिसमें वो जीप पर सवार व्यक्ति को जीप सहित खींचने और धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि तेजस्वी शताब्दी समारोह के समापन में शिरकत करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मान रहे हैं, जिसमें पीएम ने उन्हें वजन घटाने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो पोस्ट की थी। पार्टी को तोड़ने वाले को सबक सिखाएंगे सहनी। 21 जुलाई को विधान परिषद की सदस्यता खोने के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूमकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। इस दौरान मुकेश सहनी बीते दिन कटिहार जिला पहुंचे, जहां उन्होंने फूलन देवी के शहादत दिवस पर फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कई सालों से हम लोग निषाद अति पिछड़ी समाज के जिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, उन लोगों ने पार्टी को तोड़ दिया और विधायकों को खरीद लिया। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के लिए जगदानंद सिंह की दिखी हमदर्दी। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अब जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गैर मौजूदगी को लेकर उनके साथ खड़े दिखे। दरअसल नीतीश कुमार का राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुँचने के बाद सियासी चर्चाएँ तेज हैं। इस पर जगदानंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर बिहार के 12 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, इसको निभाने के लिए शायद वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। मीडिया द्वारा इस पर सवाल करने पर जगदानंद सिंह ने कहा कि मैं तो उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। वो सीएम नीतीश को किस संदर्भ में जगाने की बात कह रहे थे, ये तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उनका इशारा राजद से गठबंधन की ओर था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी जदयू का आरजेडी में विलय होने को लेकर बयान दिया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। जहांगीर ने 1614 में मेवाड़ के राणा का स्वागत किया। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। महानतम महिला एथलीट जैकी जायानर करसी ने 1998 में एथलेटिक्स से संन्यास लिया। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप 2002 में प्रारंभ हुई। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2008 को 21 धमाके हुए। इस हादसे में 56 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए। भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म 1844 को हुआ था। भारत की प्रसिद्ध कवियत्रियों में से एक विद्यावती कोकिल का जन्म 1914 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन 26 जुलाई 1966 को हुआ था। आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय टीम पर लगा 20% का जुर्माना। भारतीय टीम वर्तमान समय में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेल चुकी है। हालांकि अब तक तो जीत का सहरा बांध चुकी टीम इंडिया इस बात से खुश थी कि सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। आईसीसी ने पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए भारतीय टीम पर रविवार को मैच फीस का 20% जुर्माना लगा दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने पाया कि टीम इंडिया ने पहले वनडे में निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंका था, इसी वजह से टीम इंडिया को सजा सुनाई गई है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डिसअपीयरिंग फीचर में व्हाट्सएप ने किया बड़ा बदलाव। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पिछले कुछ समय से नए फीचर्स को लेकर काफी सक्रिय है। व्हाट्सएप लगातार इन फीचर्स के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। अब व्हाट्सएप एक नए फीचर को लेकर आया, जिसमें यूजर्स के डिसअपीयरिंग मैसेज को कभी भी देखा जा सकता है। पहले यूजर के पास अपने मैसेज डिलीट करने के लिए 24 घंटे 7 दिन और 90 दिन का समय रहता था, लेकिन इस फीचर के बाद मैसेज कभी भी डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप के इस नए फीचर को कैप्ट मैसेज
मैसेज का नाम दिया गया है। सभी यूजर अपने कन्वर्सेशन में कैप्ट मैसेज का यूज कर सकेंगे। हालांकि अभी यह फीचर अपने डेवलपमेंट मोड में है, तो इसमें और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कैप्ट मैसेज के साथ व्हाट्सएप साइलेंट लीव ग्रुप ऑप्शन पर भी काम कर रहा है, जिसके बाद कोई यूजर ग्रुप से लेफ्ट होता है तो उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। बिहार में मिले कोविड 19 के 400 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 355 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1850 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 21, अरवल में 4, औरंगाबाद में 3, बांका में 6, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 27, भोजपुर में 6, बक्सर में 2, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 15, जहानाबाद में 7, बिहार में 4, खगड़िया में 9, लखीसराय में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 11, नवादा में 3, पटना में 94, पूर्णिया में 3, रोहतास में 13, सहरसा में 57, समस्तीपुर में 2, सारण में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 3, सुपौल में 20, वैशाली में 2, पश्चिमी चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 3 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 87,293 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 810 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अतीक खान, सरोज कुमार, गुनर शर्मा, विकी कुमार आर्मी, राहुल कुमार यादव, निरंजन कुमार, अंशु कुमार, भान प्रकाश मौर्य, प्रदीप राम, रूपेश कुमार, कविता कुमारी, बद्री कुमार, रवि कुमार यादव, घनश्याम चौधरी और अनमोल पुष्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार रेलवे द्वारा रेल यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।